यकीन मानिए जिससे लोन लेके करा था, हम बहुत ज्यादा मिडिल क्लास बंदे हैं, लोन लेके मैंने ये 8000 लिए थे ना ब्याज पे, वो भी अगले दिन ही आ गए। भाई हमारा पैसा चाहिए, वो थोड़ा ना इतना वेट करेंगे। सही बात, दो घर का सामान उठाते ले गए भाई, बताओ अब क्या करें। आपसे कुछ पैसे जो ले रहे थे 200 रुपए, 2000 रुपए, 8000 रुपए, इससे पहले आपको बताया नहीं था ना कि दूसरे से करनी पड़ेगी? नहीं, इससे पहले ये इतना दिक्कत है भाई, जब तो गुस्सा आया मुझे। वो सब गाइस, कैसे हो, दिस इज सुशांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज पार्ट 5 आ चुका है फॉर योर फ्रॉड रिव्यू वाली सीरीज को लेके, जिसमें मैं नहीं लोग आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ यहाँ पे इसके। ठीक है, तो आज से पहले मैंने जो 4 पार्ट बनाए उनको अच्छे से देख लेना है, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी है उनके अंदर, आपको समझने को मिलेगा कि इस तरीके से भी आप स्कैम होता है क्या, इस तरीके से भी स्कैम हो सकता है क्या। आज वाली स्टोरी भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर चलते हैं वीडियो के एंड में मिलते हैं। ठीक है, पहले आप उनके मुँह से सुन लेना, फिर अपने वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो आज वाली स्टोरी ये थी कि इनको स्टार्ट करवा गया 200 रुपये से। ठीक है, 200 रुपये लिया गया इनसे, फ्री बोल के 200 रुपये लिया गया। 200 रुपये लेने के बाद फिर उनको बोला गया कि यहाँ पर कुछ पैसा लगेगा, ठीक है, तो आप उनसे स्टार्टअप कर सकते हो। तो उसने बोला कि कैसे, कि यहाँ पे इतना आपको लगाना पड़ेगा 2000 रुपये। तो उसने बोला चलो ठीक है 2000 रुपये लगा देंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 200 रुपये लिया, 2000 रुपये लिए, इससे पहले इसको ये नहीं बताया गया था कि आप ये पैसे FLP के लिए दे रहे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा, बस पैसे लिए जा रहे हैं दिमाग पे खेल खेल के। ठीक है, तो 200 रुपये ले लिए, फिर 2000 रुपये ले लिए। 2000 लेने के बाद फिर उनको बोला गया कि आपको यहाँ पे स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक और मीडियम ट्रैक, ऐसा कुछ मतलब अलग अलग तरीके मिलते हैं जहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, तो आप स्लो ट्रैक से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये बोला गया इस लड़के को। तो इसने बोला चलो ठीक है स्लो ट्रैक से करूँगा मैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक में तो बहुत पैसा लगता है एक साथ। ठीक है, तो जब स्लो ट्रैक की बारी आई तो उसने कितने दिए, टोटल मिला के 8000 रुपये दे दिए। 8000 देने के बाद फिर बोला गया कि अब आपको 2CC करनी पड़ेगी। फिर समझ गया कि 2CC मतलब 4 ईयर का फंड आएगा। तो फिर वो बोलता है कि 4 ईयर है क्या, कि हाँ है 4 ईयर। तो भाई बोलता है कि पहले ही बोल देता ना कि 4 ईयर है, तो मैं नहीं करता। ठीक है, तो मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जब आपसे लोग पैसे लेते हैं ना, आपको बताएंगे नहीं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, अर्निंग कैसे होगी, कुछ भी नहीं, बस आप पैसे लगाते रहो। क्या बोलेंगे कि आप पहले 2CC कर लो, उसके बाद आपको सबको समझ में जाएगा। ठीक है, जो कि गलत है। पैसा लेने से पहले, बिजनेस स्टार्टअप करवाने से पहले सारी चीज़ें क्लियर की जाती है, बट ये लोग क्लियर नहीं करते, ये लोग माइंड पे खेलते हैं और माइंड वॉश करके 2CC करवा लेते हैं। ठीक है, ऐसा वो 4 पार्ट के अंदर हो गया, जाके देख लेना, आगे और भी पार्ट आ रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये पार्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोलते हो ना कि हमको बताओ कि कौन है जिनके साथ स्कैम हो रहे हैं और किस तरीके से स्कैम हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ लाइव। तो यहाँ पे मैं नहीं, वो लोग बोल रहे हैं, तो पहले आप उनसे सुन लो। अगर आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया तो आप टेंशन मत लो, आप रिफंड कर पाओगे एक राइट प्रोसेस के जरिए। ठीक है, वो कैसे होगा वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले आप ये सुन लो, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इसमें बढ़िया यार, आप बताओ। बस भाई जी बढ़िया, सब कहाँ से आप ही को याद कर रहे हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, अच्छा ये बताओ कि आपने अभी इसमें कितना लगा दिया? 8000 लगा दिया भाई। 8000, ठीक है। थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग से प्रोसेस बताओ कि आपके साथ क्या हुआ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले क्या हुआ स्टार्टिंग में, मैंने इंस्टाग्राम पे फॉर्म भरा था, मुझे कोई ऑनलाइन जॉब चाहिए थी ना। ठीक है, तो मैंने फॉर्म भरा तो अगले दिन उनका कॉल आया। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ बताया नहीं कि मैं FPL से हूँ, मैं FPL के बारे में हूँ, कुछ नहीं बताया उन्होंने स्टार्टिंग में। ठीक है ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी सुन रखा है ना 4 ईयर के बारे में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर उन्होंने मेरे से 200 रुपए चार्जेस लिए एंट्री के। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, फिर 2 मीटिंगें अटेंड करवाई उन्होंने मुझसे, फिर 200 के लिए कन्विंस कर लिया मुझे। ठीक है, 2000 के लिए। फिर उन्होंने बताया स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, फिर 2CC के बारे में बताया। और वो खुद ही कह रहे थे कि आप स्लो ट्रैक से या मीडियम ट्रैक से ही करना, फास्ट ट्रैक से मत करना, क्योंकि इसकी पेमेंट थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, तो मैं फिर समझ गया ठीक है भाई। फिर उन्होंने 2 मीटिंग और अटेंड करवाई, फिर मेरे से उन्होंने मेरे से पूछा आप मुझसे स्लो ट्रैक से करोगे या मीडियम ट्रैक से करोगे। हाँ, तो मैंने कह दिया मैं स्लो ट्रैक से करूंगा जी। ठीक है, तो क्या ठीक है आपकी मर्जी, स्लो ट्रैक से कर लिया मैंने। फिर उन्होंने मेरे को 2 मीटिंग अटेंड करवाई, फिर उसमें कहने लगे भाई 2CC करना कंपलसरी है, इसके बिना वर्क स्टार्ट ही नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या भाई, ये क्या बात हुई, फिर आपने पेमेंट भी ले ली, फिर बाद में कह रहे हो 2CC से कुछ होएगा ही नहीं स्टार्ट, पहले बताना चाहिए सब। फिर पेमेंट करवा दी,
अब वो मुझसे कह रहे हैं कि तू सीसी करनी ही पड़ेगी जब भी आपका काम स्टार्ट होगा। अब मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो फोन ही नहीं उठा रहे, वो कह रहे तू सीसी करो वरना फिर बात मत करो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसे बोलते हैं? हाँ। मैसेज करते होंगे, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते होंगे, है ना? मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं जी भाई। कितना लगाया आपने? 8000। 8000 भाई। सबसे पहले आपसे कुछ पैसे 200 रुपए लिए थे ना? जी। फिर थोड़े थोड़े करके लिए। अच्छा, आप उनको ये बात नहीं पूछते था कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा? ये बात भी पूछी थी, उन्होंने ये बताया था कि जैसे हम आगे बंदों को ला रहे हैं ना, इसमें ऐसी मुझे भी लाना पड़ेगा आगे बंदों को, उसका 7% में। जैसे कोई बंदा 2cc करता है ना, तो उसका 7% मुझे मिलेगा। अच्छा, 2cc करता है। अच्छा ये बताओ कि आपसे कुछ पैसे जो ले रहे थे 200 रुपए, 2000 रुपए, 8000 रुपए, इससे पहले आपको बताया नहीं था ना कि 2cc करनी पड़ेगी? नहीं, इससे पहले यही तो दिक्कत है भाई, जब तो गुस्सा आया मुझे, इससे पहले कुछ बताया नहीं कि 2cc कंपलसरी है, इसी धोखे में तो ये आगे से आगे बढ़ा देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर आपने भी नहीं पूछा कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा, ना कितना लगाना पड़ेगा? पूछा नहीं? पूछा था। वो ये कह रहे हैं अभी आपको स्लो ट्रैक से करना चाहते हो, कोई नहीं स्लो ट्रैक से करो, 2 महीने बाद आपको 2cc करनी पड़ेगी। और ये कह रहे मैं गारंटी लेता हूँ 2 महीने बाद हम करवा ही देंगे आपको, 2cc हो ही जाएगी आपकी पक्की। अच्छा, फिर जब दो मीटिंग अटेंड करवाई, फिर कह रहे 2cc अभी ही करो। कितने लोग बैठते हैं मीटिंग के अंदर? 1000+ बैठते होंगे मीटिंग के अंदर? बैठते हैं भाई 1000-1500 बंदे। सबको ऐसे ही लूटते होंगे ये लोग, है ना भाई? आप यकीन मानो, जो इन्होंने मुझे ना ग्रुप में ऐड करा था स्लो ट्रैक करने के बाद, तो उसमें बहुत सारे नए नए बंदे आते हैं, कम से कम उसमें 800-900 बंदे हैं। अच्छा? तो जो भी नया बंदा आता है ना, जो नया बंदा आता है ना, मैं उसे फोन मार देता हूँ भाई FPL में मत जाइयो भाई, बहुत बुरी चीज है ये। अब वो बेचारा कहता है भाई मैंने तो 2cc भी कम्प्लीट कर ली। कसम से वो, हाँ सही में, मैं कह रहा हूँ भाई तू तो गया फिर। मतलब ऐसे लोगों को लूट रही है, करेक्ट? झूठ बोल रही है ना। तो आपका मन क्या करता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई नहीं करना चाहिए, मैं तो बहुत ज्यादा भाई, यकीन मानिए जिससे लोन लेके करा था, हम बहुत ज्यादा मिडिल क्लास बंदे हैं, लोन लेके मैंने ये पे करा था भाई। उन्होंने मैंने ना उन्हें सारी प्रॉब्लम समझाई, क्योंकि 2cc के लिए कन्वेंस कर रहे थे मुझे, यूं कह रहे थे कहीं से भी कर लो, पूरा घर गिरवी रख दो, जब यूं कह रहे थे घर गिरवी रख दो, आप कुछ भी करो 2cc कर लो, बाद में सब कवर हो जाएगा आपका। तो मैंने जो 8000 लिए थे ना ब्याज पे, वो भी अगले दिन ही आ गए भाई, हमारा पैसा चाहिए, वो थोड़ा ना इतना वेट करेंगे। सही बात। तो वो घर का सामान उठा के ले गए भाई, बताओ अब क्या करें। उनसे भाई उस दिन ना मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैंने इतने पैसे लगा दिए, यकीन मानो भाई ऐसा हुआ। हाँ, घर वालों को भी नहीं पता था कि मैंने इतने पैसे लगा दिए, और जिस दिन पता चला ना मेरी तुड़ाई भी हुई, और उनसे रो रो के भाई बहुत कहा कि भाई कर दो कर दो। अच्छा, मगर आप फोन ही नहीं। मुझे 20-20,000 रुपए और दे दे ब्याज पे। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, वो और मेरे ऊपर चढ़ रहा है जी भाई। आपकी आईडी बहुत बड़ी मुश्किल से पैसे हूं भाई, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। आईडी बन गई क्या आपकी? हां, आईडी तो जब उन्होंने 2000 करवाए थे ना, उसी टाइम बनवा दी थी आईडी मेरी। और 8000 की बिलिंग्स हो गई या नहीं हुई अभी तक? 8000 की बिलिंग उस पे तो शो नहीं हुई, आईडी पे तो शो नहीं हुई कुछ भी। तो इसका मतलब पैसा होने के पास में अभी भी है ना, तो अपन रिफंड प्रोसेस भी नहीं कर सकते हैं, है ना? तो एक काम करो, सबसे पहली बात तो इसका सोल्यूशन अपन निकालते हैं कि उनसे एक बार कॉल करो आप, ठीक है भाई? स्लो ट्रैक से ही करवा दो, मेरा प्रोडक्ट तो सेंड करो कम से कम मेरे। हाँ। कॉल ही नहीं उठा रहे हैं वो अगले। अच्छा, कॉल भी नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते, ठीक है? आप उनकी डिटेल्स बताओ थोड़ा बहुत, कि उसका नाम क्या है प्लान का, उन बंदे का नाम। हाँ,
उस बंदे का? आसिफ, आसिफ नाम है। वो कहाँ से? तो ये है वहाँ से, हैदराबाद से। कौन से लेवल पे है वो? उन्होंने 2 CC से ऊपर के लेवल है, कोई सुपरवाइजर होगा। और इसमें मैनेजर कौन है, पता है नाम? मैनेजर वो है, नाम तो नहीं पता, मैंने उन्हें FPL के नाम से ही सेव कर रखा। कोई लड़की है वो रेगिस्तान, राजस्थान की है वो, रेगिस्तान से। ठीक है, समझ गया। और इसके अलावा टीम कौन सी थी? 564 अचीवर्स क्लब, विन 23। ये तो नहीं पता भाई, ये नहीं पूछ यार, आपको नहीं पता। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, आपके पास ग्रुप होगा ना, ग्रुप का एक्सेस होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मुझे। किसका? ग्रुप का? हाँ, कि कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप तो होता है ना यार, कि फॉर में टीम 564 है, अचीवर्स क्लब है, विन 23 है। अच्छा रुको, अभी बताता हूं मैं आपको, अभी 2 मिनट रुको। हां मुझे बताओ कौन सा ग्रुप है, मुझे भेज दो। हां ठीक है, उस बंदे की भी फोटो भेजता हूं 2 मिनट, अगर होई तो मैं। हां भी बताऊंगा कि बहुत लोग यहां पर पूछती करते हैं। हां यही लड़का है भाई। कहां से है? हैदराबाद। ये इसकी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं इंस्टाग्राम आईडी। हां वो भी भेजो मुझे। स्टार्टिंग में ही मुझे बता देते ना फॉरएवर की तरफ से, क्योंकि यहां ऑफलाइन भी मुझे बहुत बंदे मिले हैं फॉरएवर के लिए, मगर उसमें ये था कि प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं और दूसरों को परचेज करवाने पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि इस बंदे के पास आपने 8,000 रुपए दे दिए पूरे, है ना, और ये कॉल मैसेज कुछ नहीं उठा रहा है ना, और पैसा भी कि इसी के पास पड़ा है ना। ठीक है, आपने इसको लेकिन कॉल मैसेज नहीं उठा रहा, क्या बोलोगे, है ना? करेक्ट। तो जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ सारी चीजें सारी प्लेट लिस्ट के अंदर, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, आराम से बोलो उनके बारे में। अच्छा और आप इतना बताओ कि आप क्या कहना चाहोगे कि फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, साफ बता दो एक बार। आपने इतना सब कुछ देखा होगा लेकिन जो फॉरएवर के बंदे ना ये जो फॉरएवर कर रहे हैं ये फ्रॉड है, और इनकी वजह से, इनकी वजह से फॉरएवर नहीं करना चाहिए, साफ बोल रहा हूँ। भाई मैं खुद कह रहा हूँ, अगर ये बंदे आ जाए ना भाई, अगर ये चंडीगढ़ में आ जाए ना भाई, इनका कुटाप्पा चल दूं मैं सही में भाई। सही बोल रहे हो, ये मेरे पास बंदे की भाई वैल्यू नहीं समझते भाई, इतनी मुश्किल से भाई पैसे मतलब इतने रहे थे भाई। इतने गिर चुके हैं कि पैसा खा जाते हैं 7-8 हज़ार रुपए, बस इतने गिर चुके हैं लोग, और लोन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और लोन ले बंदा आगे, बताओ जी कैसे करेगा बंदा, मिडिल क्लास तो कर ही नहीं सकता बैंकर। अरे इनको कोई मतलब नहीं है कि आप मिडिल क्लास हो, आप गरीब हो, कहीं से पैसा अरेंज करो, कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब ही नहीं है कोई। सही कह रहे हो भाई, इन्हें मतलब ही नहीं है कोई, इतने बेकार हो गए लोग। और देखो 2 CC करने से पहले तो बहुत प्यार से बात करेंगे, मतलब पैसा दे रहे तब तक तो, और जैसे पता चला कि पैसा नहीं देंगे उसके बाद औकात दिखा देंगे। जी बिल्कुल, मैंने कई लोगों से सुना कि उससे पहले तो इतने प्यार से बात करते हैं कि बस हाँ मजा आ रहा है, कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल प्यार से बनाएंगे, उसे फुसलाएंगे, बिल्कुल ऐसा कर देंगे जैसे रियल ही हो, है ना, बिल्कुल रियल हो। मगर जब बाद में हकीकत ना धीरे धीरे बताना स्टार्ट करते हैं, जिस पेमेंट के साथ साथ बताना स्टार्ट करते हैं क्या है, क्या काम है, कैसे करना है, कितनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बताएंगे, स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे, जब बंदा लगा देगा जब बताएंगे। और जब बंदा बोल देगा कि नहीं सर मेरे पास अब नहीं है पैसा लगाने के लिए, उसके बाद रिप्लाई देना बंद। ओके गाइस, सुन लिया आपने, समझ लिया कि किस तरह से यहाँ पे स्कैम्स होते हैं। यहाँ पे मीटिंग्स में हजारों लोग बैठते हैं और हजारों लोगों के साथ ऐसा होता है, समझ में आने, कितने लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे पैसा लुटा रहे हैं FLP के अंदर। ये कंपनी अपनी है, इंडिया की नहीं है, USA की, आपको इतना तो पता चल गया होगा ना। तो पैसा कहाँ जा रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे, बस कुछ पैसा खाने के चक्कर में अपने ही लोगों को लूट रहे हैं लोग। ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन वीडियोज़ के अंदर, जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इस सीरीज़ का मतलब तो एक था कि लोग आपको बताए रिव्यू दे आके कि फॉरएवर में उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है सच में। और यही नहीं, काफ़ी लोग हैं कि मैं वीडियो भी नहीं बना सकता, इतने सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ये बंदा खुद बोल रहा है ना कि डेली के पता नहीं कितने लोग ऐड होते हैं और सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, ये सच है। तो आपको इस स्कैम से बच के रहना है, समझने के लिए आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो ये वाली। अगर आप FLP करने की सोच रहे हो ना, अभी तक आपका भूत उतरा नहीं, तो पहले तो पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लेना, ठीक है, देखने के बाद फिर इस सीरीज़ को देख लेना मेरी वाली को।
इस सीरीज को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फिल्म काम क्या करना होता है, अर्निंग कैसे होती है, फिल्म पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 1+3 क्या होती है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी इस सीरीज़ को देखने के बाद में, ठीक है। और हाँ, इसके बाद भी अगर आप डिसीजन बनाते हो कोई सा भी ऑनलाइन बिजनेस करने का, तो सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट वाली सीरीज़ देख लेना, मैं हर पार्ट में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, ये वाली सीरीज़ ज़रूर देख लेना जिसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने मान लो यहाँ पे एफिलिएट में कोई पैसा लगा दिया हो, ठीक है, जैसे 5,000-10,000 2 CC भी कर ली हो और अब आप चाहते हो कि मुझे नहीं करना, तो आप रिफंड प्रोसेस के जरिए आप ये पैसा रिफंड कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, या तो ये वाली वीडियो मेरी कंप्लीट देख लेना या मुझे इंस्टाग्राम पर आके कॉन्टैक्ट कर लेना, बट कमेंट जरूर करना कि सर मुझे रिफंड करवाना था, ठीक है। बाकी ऐसा FLP में होता है, मैं तो पहले बताता था, आज आपको लोग भी बता रहे, तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि सच में FLP में इस तरह के स्कैम्स होते हैं। यही स्कैम ने और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं जो FLP में होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ओपन करवा दी वीडियो कॉल पे, बताओ ये क्या सीन था भाई, ठीक है, झूठ बोल बोल के हमसे पैसे ले रहे हैं, मतलब बता ही नहीं सकता इतने सीन है, एक वीडियो में कैसे बताऊं। ये सब चीज़ें मैंने इन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन अच्छे से किया है, जाके देख लेना आपको समझने को मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट किस लिए बनाए मैंने, इसलिए तो बनाई ना क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स से अलग अलग तरीके से लोग स्कैम कर रहे, तो आपको सारे स्कैम से बच के रहना है। 99 फर्स्ट ऑर्डर, 5,000 का कॉम्बो पैक, ये सब चीज़ें आपको बच के रहना है। इसके बावजूद भी आपको प्रोडक्ट ओपन नहीं करना, क्योंकि लोग वीडियो कॉल पे प्रोडक्ट ओपन करवा देते हैं। इसके बावजूद भी किसी चीज़ पे ट्रस्ट मत करना कि लोग आपको बोल रहे हैं, कोई भी सीनियर्स, कि आप अपने प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा दो, मैं आपको रिफंड कर दूंगा, आपको पैसे दे दूंगा। कभी मत देना, वरना ये पैसे भी नहीं देंगे, प्रोडक्ट भी नहीं देंगे। हालांकि सॉल्यूशन है अपने पास में, बट लफड़े में क्यों पड़ना, ठीक है। तो ऐसे गलती मत करना, क्योंकि FLP बहुत तगड़े तरीके से स्कैम हो रहे हैं हर एक चीज़ को लेके, ठीक है। बाकी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।